फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जिसका हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारी सेकेंड टाइप है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपाउंड स्प्लिट अप इंटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड हमारा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट होता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोज होना। ये हमारा अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल, CaCO3 लाइमस्टोन। इस ट्रायंगल का मतलब होता है दोस्तों हीट। इसको हमने हीट दी, गर्म किया, तो CaO लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। फिर KClO3, यह इसको हमने हीट किया तो ब्रेक हुआ KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 ऑक्सीजन में। FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट किया तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर प्लस SO3 गैस प्लस SO2 गैस, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हुआ। इसका कलर याद रखना, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का। फिर हमारा PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, इसको हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो, PbO लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है, और लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का होता है। फिर हमारा 2AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का, इसको हमने हीट किया तो Ag सिल्वर ग्रीन ग्रेश वाइट कलर का और Cl2 क्लोरीन येलोविश ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए उसका, वो रोक के वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, क्योंकि इसमें से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है। और एग्जांपल ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि इसके रिएक्शन में इसका कलर ये है तो रिएक्शन बताइए, इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और बाकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।